डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर, द एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर, इट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड वाटर एक्ट एज अ बेस, वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वाटर बिहेव एज एन एसिड। Now see the chemical equation, acid plus base, acid react with a base, HCl जो कि acid है जब वो water के साथ react करेगा, क्योंकि HCl जो है वो acid है, hydrochloric acid, तो water यहाँ पर ऐसा base use होगा, ऐसा base अपनी nature को is show करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा H3O पॉजिटिव, और क्लोराइड आयन जो है वो फॉर्म होगा। सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे वाटर जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया जो है एक्वस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से अमोनियम आयन फॉर्म होगा, और OH जो है वो नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ फॉर्म होगा। द वाटर बिहेव एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, इट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक of water is best understand from its self ionization। मकसद यहाँ पर क्या है कि water अगर water के साथ react कर रहा है तो oxygen का lone pair जो है वो दूसरे water के proton को abstract कर लेगा और hydronium ion form हो जाएगा, जबकि OH negative जो है वो form होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वाटर ने यहाँ पे एस एन एसिड और बेस के तौर पे रिएक्ट किया है। सेल्फ आयोनाइजेशन, यहाँ पे सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर की हो गई है। अ प्रोटॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ट्रांसफर टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, लीविंग बिहाइंड OH आयन एंड फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव आयन। एक प्रोटॉन जो है वाटर का वो दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, एक वाटर से प्रोटॉन जो है दूसरे वाटर में ट्रांसफर्ड हो गया है, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ है और OH नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट वाटर की किस तरह से डिफाइन होगी। Thank you.